चैलेंज को खुद लेना है, कुछ करना है वो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर चैलेंज हमने अपनी टीम में दे दिया, अपने घर में दे दिया, धन्यवाद देना। और दूसरा चैलेंज है, चैलेंज अगर हमने टीम में दे दिया तो डेफिनेटली टीम कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन इससे पहले हमें खुद करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, कुछ लोग चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए आपको उसको एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि देनी पड़ेगी? यस। उस फील्ड में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा कि चाहने से कुछ हो जाएगा? हाँ या ना? यस। हेलो। यस। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग नहीं बनना चाहते हैं, चाहते हैं, लेकिन उसको बनने के लिए क्या कर रहे हैं वो नहीं पता है। इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको उस ट्रैक पे बच्चे को डालना पड़ेगा, तब वो ट्रैक पकड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ने ट्रैक कराना पड़ेगा, और नेटवर्कर बनना है तो उसको नेटवर्क के लिए ट्रैक कराना पड़ेगा। थोड़ी सी तालियां होंगी, बाकी लोग सोच रहे हैं कि यार काम बदल रहा है, वो तो स्किल ले लेंगे, वो तो बनी है। अभी कुछ लोग सोए हुए हैं, अभी भी अब उनको जगाने का जो प्रयास करेंगे, बहुत ही डायनेमिक लीडर है, बातों के बादशाह है, अच्छे अच्छे लोग उनसे बहस करने से कतराते हैं, पेशे से वकील है और बीएसएफ में ग्राउंड मिनिस्टर है, या और कोई नहीं, हमारे मेरठ से ग्राउंड मिनिस्टर मिस्टर आर के शर्मा। बहुत बढ़िया तालियों से अलविदा ले गए, जोरदार तालियों से। प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको लगा तो समस्या बाकी है, समस्या को या प्रॉब्लम को उन्होंने क्या कहा? चैलेंज। और चैलेंज का हल कहां है? ये भी बताया, पूरा लास्ट पे भी लेके गए लीडरशिप। लीडरशिप क्या चाहती है? चाहती है मेरे सामने समस्याएं आती है और समस्या का हल है। ये बात जल रही है, जो लीडर नहीं है समझो वह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जहां लीडर है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट है बिजनेस एनालिसिस, रवि जी ने बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया है। रिएक्शन इतना बड़ा समुद्र है, हम उसमें कहां है? आजकल जो हमारी बैठी है दिल्ली एनसीआर, उसका प्लेसमेंट कहां है? अभी जो प्रोग्राम होने वाला है हमको इस हॉल पर करना पड़ रहा है, कहां होना चाहिए था? स्टेडियम में। अभी बिहार में प्रोग्राम हुआ है, देखा आपने उसकी फोटो? यस। कितने लोग थे उसमें? 5,000 तक, उससे बड़ा सा हॉल नहीं है। अगर हॉल होता
वो 10,000, 15,000, 20,000, 35,000, 40,000 फिर भर सकते हैं। हम केवल ये कंपेयर करें कि हमारे और उनके अंदर क्या फर्क है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वाले को केवल वही कॉलम, कॉलम क्या है फल क्या है, कॉलम क्या है फल क्या है, कॉलम क्या है फल क्या है। तो खासकर नॉर्थ इंडिया में बिहार आता है, लेकिन बिहार को ईस्ट इंडिया में रखा गया। और इंडिया की क्या पोजीशन है ये हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल में कौन कंट्री कहां कितना कर रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा देश है चीन, लेकिन अमेरिका कितनी सेल है इसकी किसी को मालूम? इंडिया से दुगनी है, 8 करोड़ आबादी है, 3 करोड़, 3 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ सेल है। और हम राजधानी में रहते हैं, राजधानी में रहने वाले किसी को ये नहीं पता कि हाईएस्ट क्वालिटी सेल जो दे रहा है वो कौन है कहाँ है, पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो हम बिजनेस कर रहे हैं क्या? बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप इसमें जो सबसे बड़ी बात है, रोहित जी ने इतना बढ़िया करके स्लाइड दिखाई है कि मेरे घर में कुछ बाकी रहा नहीं, लेकिन जितने यहां पर लोग हैं अगर हम उसको स्टार्ट बना दें नॉर्थ जाग जाएगा नहीं लग जाएगा? साफ कह रहे ठीक है, लीडर कह रहे जा रहे ठीक है। दोस्तों देर समय लीडर को और बता पड़े, लीडर की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं लीडर, वो जवाब देगा। पूरी टीम को लीड कर, अगर हम लीड नहीं कर पा रहे हैं टीम को तो लीडर नहीं है। नॉर्थ में लीडर है या नहीं है? आप समझिए बात, क्या होता वो हुए कोई लीडर नहीं है, लीडर सोए लीडर सोता नहीं है, लीडर की परिभाषा पड़ी है, लीडर भी नहीं सोता है। लीडर की परिभाषा अगर आपको नहीं पता है, लीडर का मतलब है हर जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना। नॉर्थ की जिम्मेवारी कौन लेने को तैयार है? हम क्यों फेल है? आप अगर मान लीजिए अल्फाबेट्स है ABCD, इसमें एक शब्द है कल्चर, सीधे बड़ा है, हमारा कल्चर खराब है, कितने लोग मानते हैं बात? लोग यहां अभी भी बात ही कर रहे हैं, बात करना है तो यहां टिकट लेने का फायदा करता है। हमारा कल्चर क्या है, जहां ये कंपटीशन की फीलिंग हो तो मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इससे ज्यादा करूंगा,
वो कल्चर की जरूरत है। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर आप उस बात की कवर नहीं कर रहे, तो मुझको कुछ करके दिखा रहा है तो कुछ होने वाला नहीं। ये जो जमीन है, यहां पर एक बात आएगी 7,25,000 से एक करोड़, वही जमीन है नहीं? और क्या फर्क आया है? नहीं, वहां कहा है कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज जरूरी है कल्चर डेवलप करना। हम सब लोग प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब समझिए, आप जिस काम को हम करते हैं वो काम में हम कितने एक्सपर्ट हैं। एक शब्द है WIEE, विल पावर। विल पावर की कमी हमारे सबके अंदर है। आप ये ना सोचो कि सब आप या मैं अलग अलग हैं। ये जो नॉर्थ का जहाज है, तो रफीक जी का कहना यह है कि 2 साल तक अगर साथ नहीं छोड़ेगी तो 2 साल बाद ये बन जाएगा। सही बात है, गलत बात है? इससे ज्यादा रफीक जी नहीं कह सकते थे। सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारी है। हालांकि भरत जी कह रहे होंगे ये समझी बात ठीक नहीं करते, मेरे बात इतनी कर रहा हूं। जहां 60 करोड़ का बिजनेस हुआ है वहां कितने करोड़ मजदूर हैं? 1 है। 1 करोड़ मजदूर, 60 करोड़ के बिजनेस पर कितना बड़ा धाका होगा? 60 करोड़ की टीवी लगाओ आप, ऐसे भी लगाओ लगभग 50% हो जाते हैं। 20 करोड़ का लगभग 10% आता होगा ग्राउंड मेजर। तो ये जानकारी हमारे पास कहां से आएगी? सोर्स नहीं, बिजनेस का मतलब है अपग्रेड, अपने को अपग्रेड कीजिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़े लिखे लीडर नॉर्थ इंडिया के। मैं ये मान के चलता हूं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लीडर आप हैं। और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, बटी के सब जगह घूमते रहते हैं, जितनी बात होती है जगह पढ़े लिखे लोग हैं सब नॉर्थ में। तो हमें पढ़े लिखे लोग रिएक्शन बना लीजिए, कम पढ़े लिखे ला लीजिए। हम लोग ऐसे रहने का चिंता का विषय हो गया। क्या बात है? नहीं तो हमारे तो समाज में ऐसा है ना, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें तो हर तरह के लोग मिल सकते हैं। फॉरम कहाँ है? WIEE के बाद एक शब्द है SKIEE, जिसके पास विल पावर है वो कुछ भी कर सकता है, जो चाह वो पाया। विल पावर की कमी हमारे अंदर सभी के अंदर है। इसको हम कैसे रिकवर करेंगे? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पर कोई दवा काम नहीं करती, ऐसा हो जाता है। नहीं जाता वैसे जी क्या करेंगे फिर हम? क्या क्या कर सकते हैं फिर? जैव द्रव्य का सेवन करें। धन्यवाद। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं कि जैव द्रव्य कम से कम 6 पेड़ नहीं खाते?
अभी वार्षिक 5-10% लोगों केवल बोला सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप समझिए बात। हमारे यहाँ गायत्री जब मास प्रोग्राम करते हैं तो किसी के लिए ऐसी बात नहीं करता हूँ, मैं सब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले जब मैं बात करता हूँ तो कोई बात बात ही नहीं, सब ट्रांसपेरेंट होगा। कहते जी एक बार बात की थी तो हम नहीं करेंगे, मैंने कहा फिर क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल करो, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, उसका क्या जवाब। तो मेरी बात वैसे कड़वी है सारी, लोग बुरा भी मान जाते हैं। मैंने कहा प्रोडक्ट महंगे हैं कि आप गरीब हैं, बहुत सुधार के एक लोहार झगड़ा कर। जब मैं बात करूंगा उनके घर में बैठ के करूंगा, उनके बच्चे उनकी वाइफ उनकी फैमिली में सभी लोग उनके पापा पैरेंट जो भी होंगे सबके सामने ये कहो आप गरीब हो। सबसे सस्ता हिंदुस्तान में मिलता है, सब जाते हिंदुस्तान का है, सबसे सस्ता हिंदुस्तान में मिलता है, सारे प्रोडक्ट चीपेस्ट है वर्ल्ड में। उसके बाद कह रहे थे तो बहुत महंगे है, कई कई ऐसे भी केस है जहां हमने पूछा मैंने कौन सा प्रोडक्ट महंगा है ये तो पता नहीं है। मैंने कहा कहा है ये भी नहीं पता। मैंने कहा महंगा कैसे हुआ फिर, वो लोग कहते हैं कौन लोग कहते हैं समझ रहे बात, समझ से ही जोड़ने जा रहा गुरुआव जिससे बताया एजुकेशन नॉर्थ इंडिया की सबसे अच्छी हुई है। कैपिटल सिटी होने के नाते 2000 लगातार पूरा हुए जैसे हमारे पास है जोरदार तारीफ। ये गहरोड का काम नहीं कर रहा है, अगर ये ना होते तो हम तुम भी नहीं खाते, समझ लेगा। अभी भी लोग बाल भी खान पाते, तो हमको प्रोफेशनल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में लीडरशिप में प्रोफेशनल होना है। लीडर का मतलब है सबसे आगे, कोई लीडर चाहता है कि सबसे बाद में मुझे बड़ा पहले ही है, कोई हाथ खड़ा करो माला सबसे पहले मुझे पहले ही जाए, ये तो हम चाहते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे। मेरे से मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, बात नहीं। कोई अपनी यहां पर जितने लोग हम बैठे हैं एक से क्यों कर रहे हैं, एक से काम करने की एक सिंगल वजह बताइए क्या है वर्मा जी, क्या वजह है नहीं बता पाओगे। पैसा कमाना वर्मा जी के लिए जोरदार तारी है, स्टेट बैंक का मैनेजर है और आज से नहीं है, जब मैंने डीएक्सएल ज्वाइन किया था जब से है, अभी रिटायरमेंट हो गया। सारा बिहार का नेटवर्क नहीं गिरा हुआ है, ध्यान देने बात कर स्टेट बैंक की सैलरी कमी होती है, उसके बाद डीएक्सएल करता डीएक्सएल भी लगातार करता और अभी उन्होंने कहा पैसे के लिए हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं किसने बैठे और एक भी अगर ऐसा मेंबर है जो ये कह सकता है कि एक संघ का चेक मेरा संतोषजनक है,
सेटिस्फैक्ट्री चेक है किसी का? कौन बताएगा सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं? अगर राजनीति से बात करेंगे राजनीति नहीं बताएंगे, तुम्हारी बताएंगे। असली लक्ष्मी तो घर में है। आपका चेक कितना आ रहा है आप बच्चों से पूछिए कितना आ रहा है, चेक कितना आ रहा है। अगर बच्चे संतुष्ट है, फैमिली संतुष्ट है, वाइफ संतुष्ट है चेक से, तो समझो आप काम कर रहे हो। अब यहां जो ये लग रहा है कि मैं संतुष्ट है, वाइफ संतुष्ट है, वहां पर आप इतने लोग यहां टिकट लेकर आए हैं, आप समझ मेरी बात। ये सर कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, हमारी वजह से है क्या? कोई एक जिम्मेदार हो यहां पर? बीएसएल के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं उसमें हमारा क्या रोल है, उसमें हमारा क्या काम है? बीएसएल सिस्टम जो काम कर रहा है उसमें हमारा क्या काम? आज बीएसएल वर्ल्ड में जो छाया हुआ है उसमें हमारा क्या रोल? हमारा रोल तो केवल इस बात पे है कि हमारा चेक कितना, और चेक अगर हम नहीं पढ़ा सकते तो डीएक्सएल की गुडविल हम खराब करते। मेरे सामने एक बात बार बार आती है, मेरे साथ एक भाई साहब रहते हैं डीएक्सएल में काम करते हैं, 15 साल हो गए हैं, 15 साल तो के 1500 रुपये महीने नहीं आते हैं। सीरियस मैटर है कि नहीं है? हम क्या कम्युनिकेशन अपने परिवार में नहीं कर सकते तो परिवार क्या कहेगा? परिवार कहेगा कि भाई साहब इस कंपनी में पैसे नहीं है। मेरे से डायरेक्ट लोग कहते हैं समझिए आपकी कंपनी में कुछ है नहीं। मैंने कहा क्यों? क्यों हमें कंपनी में भाई साहब कब से लग रहे कुछ नहीं आता। 99% जो नेटवर्क डीलर्स है, नेटवर्क है हमारा, वो ऐसा है कि मार्केट में सिग्नल क्या जा रहा है। समझिए बात, जहां पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि ये तो बहुत मेहनत करते हैं, कंपनी खराब है। कौन जिम्मेदार है? आप समझ रहे मेरी बात को? ये सिस्टम बनाया है 36 साल का काम 36 महीने में कर रहा है। किसने बनाया है? 36 महीने में, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग है मल्टीप्लीकेशन। 3 साल में आप वो पा जाएंगे जो आपको सारी जिंदगी गवर्नमेंट सर्विस करके नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर मुझे 18 साल हो गए हैं और 18 साल भी ऐसे ही हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग का होगा तो ये चिंता का विषय है, चैलेंज है। नकली जी ने बहुत सफाई से इसको चैलेंज साबित किया है, लेकिन ये चिंता का विषय है, ये प्रॉब्लम नहीं है। और कितने कार्य है कौन बताएगा? हमारा काम बताए। हम कितने कार्य है हमारा चेक बताए। अगर इस सिस्टम में हम आए हैं काम क्यों ना करें? कितने लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं? एक हाथ भाग दो चार, काम करते नहीं है हम खुद मानते। मैं सवाल पूछता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो एक फैमिली मीटिंग डेली करते हैं? एक फैमिली मीटिंग डेली लगातार
धान सारा धान का खाना तो जगाएंगे, जब एक खाएंगे एक ही हम कर लेंगे। एक करो जवाब, ये हाथ उठाया जिन्होंने बताया है कि एक फैमिली के हम एक ही करते हैं। आइए मेरे प्रचार में आप समझो, ये सही कह रहे झूठ कह रहे, ये फैमिली मीटिंग के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको क्या लग रहा है करते हैं? आपको कैसे पता है? एक फैमिली मीटिंग डेली करने का मतलब है 36 महीने में कितनी हुई? काम कहा होगा इनके अंदर? ईमानदारी से बताओ, चेक की तरह का
बदलिए, अपने कर्म को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए। बहुत कुछ होने वाला है, केवल आपको स्पीकर नहीं बनना है, टेलर बनना है। मीटिंग हो या ना हो, पवन जी के साथ में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, ये लगातार मुझे इस्तेमाल करेगा, पता लग जाएगा आगे क्या बताता है। ऐसे ट्रेनिंग होगी आज से, आप सब लोग अगर ट्रेनर हो गए, इतनी ही हाउस मीटिंग अगर रोज होने लगी, एक साल में जिंदगी नंबर 1 पर आ जाएगा। थैंक यू।